चला गया। हेलो, यस एवरीबॉडी, ऑलराइट, यस ऑलराइट। ओके, जस्ट ऑलराइट, वॉच कर लें पूरे ढंग से। तो नमस्कार, आज आपकी लाइव क्लास में स्वागत है। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हैं और इंग्लिश ग्रामर पे हमारी चर्चा चल रही है। इधर क्योंकि एक टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा क्रम में लेते हुए चलें। नरेशन की टॉपिक के बाद हम आपसे टॉपिक के जो ही ये कंप्लीट हम करते हैं उस पर एक लेक्चर लाइव में एक्सरसाइज पे बात करूंगा आपसे। आई शैल टैकल इट आउट। और नरेशन पे यहाँ से देखेंगे हम बात करके, आप तक को पीडीएफ की शक्ल में कुछ शीट्स जो नरेशन का एक्सरसाइज के पॉइंट पे होगा हम आपसे डिस्कस करेंगे। वी शैल प्रोसीडिंग फर्दर। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे हमारी आपकी चर्चा और नरेशन के पॉइंट पे हम रूबरू हैं आपसे। इंग्लिश पीसीएस जे के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हायर जुडिशियल सर्विस के लिए, जेएस के लिए, उस पे क्रम में ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे जो हमारी आपकी इस भूमिका पे बात हो रही है, हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस पे डिस्कस किया था। जो पिछले अंक इंपरेटिव की भी बात हमने किया था आपसे, इंपरेटिव सेंटेंसेस। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से नोट किया है। इम्परेटिव सेंटेंस था उस समय, इम्परेटिव सेंटेंस आई थिंक सो, जो पिछले अंक में हम लोगों ने पढ़ा था इम्परेटिव। और इम्परेटिव में एक प्रयोग है, लेट का प्रयोग होता है, लेट। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, वी हैव टू थिंक अबाउट। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कैसे बड़े सेंटेंसेस को आप एक में मेंशन करते हैं, उन पर भी हमारी आपकी बात होगी। वी शैल प्रोसीड। तो नरेशन में यूज ऑफ लेट, ओके, यूज ऑफ लेट। तो नरेशन में जब भी लेट के प्रयोग को आपको लेके आओगे, लेट की बात होगी, तो लेट से तीन चीज प्रकट होगी, तीन चीजें आपकी होंगी। आप उसमें से कोशिश करिएगा, आप उनको रिवाइज भी करते रहिएगा, नहीं तो भूलने का खतरा। तो इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का जो भी आप भाषा सीख रहे हैं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन है, नरेशन की टॉपिक जो ही खत्म हो रही है, मैं आपको फिर कुछ कंटिन्यू लेक्चर ट्रांसलेशन के बड़े पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फिर लेटर वगैरह को अप्लाई कर दिया जाएगा, यू मे गेट दैट। सो उसी क्रम में आज जो चर्चा होनी है लेट के प्रयोग पे, तो लेट से मैंने बताया कि तीन चीजें, जहां भी लेट आप लिखा हुआ देखेंगे डायरेक्ट नरेशन के पॉइंट पे, वहां पे आप वाच करेंगे कि तीन चीजें प्रकट होंगी। और तीनों के नाम मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको भी नोट करते चलिएगा साथ में। एक है प्रपोजल, ओके, प्रपोजल। दूसरा है रिक्वेस्ट और थर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर या कमांड कह सकते हैं उसको। यस, प्रपोजल मींस प्रस्ताव होता है। प्रपोजल को इस श्रेणी में या सेंस में आप ले सकते हो।
प्रपोजल प्रस्ताव के सेंस में, रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए है, यस और कमांड जो है या ऑर्डर वो आदेश के लिए है। दिस इज द वेल प्रोसेस एंड वेल डिमांडिंग कंडीशन एट ऑल। बात समझने की इसमें यह है कि प्रपोजल रिक्वेस्ट ऑर्डर, अब जहां भी आप लेट देखेंगे तो आप सोचेंगे कि लेट से हम क्या पहले समझें कि प्रपोजल है कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है। सेंटेंस की भूमिका से आप पूर्ण रूप से समझ लेंगे, सेंटेंस के फ्लो से आप समझेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द फ्लो ऑफ सेंटेंस। दिस इज प्रपोजल रिक्वेस्ट आर ऑर्डर आर कमांड यू कैन से। तो बेसिकली रिक्वेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट समझेंगे आप, आई थिंक सो। जैसे सेंटेंस आया द प्यून सेट टू द प्रिंसिपल लेट मी गो होम, अब आपको आइडिया लग गई भाई प्यून जब भी प्रिंसिपल से कहेगा लेट मी गो होम इट मीन्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है। कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया को आप बहुत इजी वे में समझ लेंगे कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है। दूसरा पॉइंट है जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट, भाई प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा कि कोई देर से ना, लेट नो वन कम लेट, ये क्या माना जाएगा, ये ऑर्डर हो गया। तो लेट का प्रयोग की पोजीशन आपने देखी, दो गतिविधि आई, एक तो रिक्वेस्ट का एक ऑर्डर का। लेकिन मैं पहली हेडिंग जो लिखी है वो है प्रपोजल, तो कैसे समझेंगे सेंटेंस प्रपोजल है, जब आपके सेंटेंस में लेटस का प्रयोग हो, लेट के साथ अस लगा रहेगा तो समझ लीजिए ये सेंटेंस आपका प्रपोजल है। ओके, तो नोट कर लीजिए उस पॉइंट से, लेट के साथ क्या लगा रहेगा, अस लगा रहेगा, लेटस, तब आप समझेंगे ये सेंटेंस प्रपोजल की कैटेगरी में है, लेटस का लगा है। तो आप थोड़ा सा अगर नोट करना चाहें उस पॉइंट पे नोट कर लीजिए, पहला हेडिंग आप इसको पहले नोटिस में रखें, प्रपोजल हेडिंग डाल लें, प्रपोजल यानी प्रपोजल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं इस समय, पहला पॉइंट यानी प्रस्ताव। लेट वाले वाक्य से जब का बोध हो, लेट वाले सेंटेंस से जब प्रस्ताव की भूमिका हो तो लेट के साथ अस का प्रयोग होता है, यानी अस उसके साथ जुड़ा रहे। फिर इसके बाद इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज किया जाएगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से कोई पॉइंट आप यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ये दोनों प्रोसेस दोनों प्रारूप को आप साथ में रख सकते हो, यू कैन टच इट वेल, यू कैन एडजस्ट इट वेल, या और फिर क्या करेंगे, रूल है आपका ये, जब आप जान गए लेटर सेट प्रपोजल है तो सॉल्व कैसे करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड या सजेस्टेड यूज करेंगे, फिर सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए उसका प्रयोग में लाएंगे। अब प्रक्रिया है, अस जो वर्ड लिखा हुआ है अस को वी या दे में बदल दिया जाता है, अस को वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है, और
लेट को शुड में बदलते हैं। अभी सब समझते जाइए, अभी हम एग्जाम्पल देके सॉल्व करेंगे सेंटेंस को। लेट को शुड में बदला जाता है, अस को वी या दे में बदल देते हैं। अब क्या वहां लगेगा हम भाई डिस्कस करेंगे आपसे, वी में दे में क्या प्रोसेस होगा, आई शैल टेल यू। प्रपोज्ड या सजेस्टेड की बात बताएगी और दैट से जोड़ेंगे सेंटेंस को, अस को भी या दे में बदल देंगे, लेट को शुड में बदल देंगे। और जो शुड है वी या दे के बाद लिखा जाएगा, ये तुरंत लेट में बाद शुड ही नहीं लगा देंगे, वी या दे के बाद शुड लिखें। अब देखते हैं सॉल्व करते हुए सेंटेंस को एग्जाम्पल के तहत। जैसे सेंटेंस आपका है डायरेक्ट नरेशन में, वेरी एग्जैक्टली हियर वेरी एग्जैक्टली गाइस, रोहन सेड, सेंटेंस नोट कर लें, रोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेट अस प्ले अ मैच, प्लीज स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, या लेट अस प्ले अ मैच, इनडायरेक्ट नरेशन में, वी हैव टू टैकल, या रोहन सेट लेट अस प्ले अ मैच। अभी जब सेंटेंस जहां एक साल हुआ, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगी, यू कैन हैंडल, और परेशान होने की बात नहीं। अगर कहीं दिक्कत आएगी उस पर डिस्कस किया जाएगा। और एक एक क्रम को आप जो नरेशन का है, बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन में जब भी कोई पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा उस लेवल का आपके लिए नहीं आएगा। एक जनरल आपकी अवेयरनेस की अपेक्षा की जाती है कि एक जनरल थीम में आप लगे रहें और उसको समझें। तो नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट की, ओके, प्रवीण सेड टू नवीन, ओके सेंटेंस मुझे लग रहा है पूरा आपको वर्ड दिख रहा होगा, और एक अप्रोप्रिएट वे में प्रवीण सेड टू नवीन कामा इन्वर्टेड कामाज में है, लेट अस डिसाइड, लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन, आगे हम लिख दे रहे हैं, लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इनडायरेक्ट नरेशन, यस, प्रवीण सेड टू नवीन लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, दिस इज द प्रोसेस। वेल, अब वन मोर सेंटेंस, आई सेड, एक यहां पे बोर्ड पे मैंने कर देना, जस्ट यू कैन गेट दैट, सो नो प्रॉब्लम, बहुत इजी वे में डायरेक्ट में, आई सेड टू, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेट अस गो टू सम होली प्लेस, गो टू सम होली प्लेस, जस्ट वेट, लेट अस गो टू सम होली प्लेस, यहां तक दिखेगा आपको, या सम होली प्लेस, ऑल राइट, चलिए थोड़ा छोटे राइटिंग में मुझे लग रहा, तो चलिए मैं पूरा प्रयास रखूंगा इसका, लेट अस गो टू सम होली प्लेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए सेंटेंस को अब सॉल्व करते हैं, देखिए जरा क्रम को गाइस,
वेरी एग्जैक्टली रोहन सेड लेट अस प्ले अ मैच, ये सेंटेंस। अब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप बदलने जा रहे हो, अब लेट अस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक सेंटेंस प्रपोजल का है। लेट अस इज इंडिकेशन ऑफ प्रपोजल, इट्स क्वाइट क्लियर दैट यू शुड यूज प्रपोज्ड और सजेस्टेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो डेफिनेटली यू शुड थिंक इस पार्ट में आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड आप मेंशन करोगे। तो रोहन प्रपोज्ड, या देख ले बहुत इजी वे में, रोहन प्रपोज्ड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ा जाए, रोहन प्रपोज्ड दैट। अब देखिए यहां पे बताया गया कि लेट को शुड में बदलेंगे, मैंने रूल में बताया आपको उस समय दौरान, लेट किस में बदल जाएगा, शुड में, यानी यहां शुड लिखना है, नहीं कब लिखेंगे, अस को वी या दे में बदलेंगे, तो वी में बदलेंगे कि दे में बदलेंगे, ये आपको समझना होगा। अब यहां पे बहुत इजी में बता रहा हूं, जब यहां फर्स्ट पर्सन हो तब आप यहां वी लिखिए, फर्स्ट पर्सन इट मीन सिंगुलर आई, अगर यहां आई लिखा है तभी आप वी करिए, नहीं सब में दे लिख दीजिए, बहुत आसान हो गया। आप बताया कि अस को वी या दे में बदलेंगे, तो वी में बदले कि दे में, बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर यहां आई लिखा हुआ तभी आप वी कर, नहीं सब में दे लग जाए, यहां हो गया आंसर में दे। इसके बाद में दे शुड, यस दे शुड, देखिए बात शुड लग गया, दे शुड प्ले अ मैच, प्ले अ मैच, ये आपका आंसर हो गया, दे शुड प्ले अ मैच, रोहन प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच, दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द पॉइंट। प्रवीण सेड टू नवीन, लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, अभी आपने इसका आंसर लिया, यू गॉट इट वेल आंसर, कि रोहन प्रपोज दैट दे शुड प्ले अ मैच। नेक्स्ट वन है प्रवीण सेट टू नवीन, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका आंसर हो गया प्रवीण, ओके, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, दोनों यूज कर सकते हैं ना, चाहे जो यूज करें दोनों में से, प्रवीण सजेस्टेड टू नवीन, वेट, प्रवीण सजेस्टेड टू नवीन दैट, प्रवीण सजेस्टेड टू नवीन दैट। अब देखिए यहां पे सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, दोनों में चाहे जो यूज कर लिए, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो प्रपोज या सजेस्टेड वाले में टू लगना है, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है, If the object is given, तो प्रवीण suggested to नवीन that, फिर वही बात दे में बदल देंगे या वी में, तो लगेगा यहाँ पे, आपको आइडिया अब लग गई है। इसके बाद दे के बाद should लगा देंगे, दे should, यस दे should डिसाइड, दे should डिसाइड, दियर कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आवर है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, भले ये प्लूरल नहीं है, प्रवीण सिंगुलर है, लेकिन अस आवर का मैटर प्लूरल का मैटर बनेगा, तो डिसाइड दियर कंफ्यूजन, दियर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, ये आंसर होगा, वंस एंड ऑल, इट इज एब्सोल्यूट वन। प्रवीण सजेस्टेड टू नवीन दैट दे शुड डिसाइड दियर कंफ्यूजन Once and for all, it's well and absolute one. Okay, guys. Praveen suggested to Naveen that they should decide their confusion once and for all.
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, आई सेड टू हिम लेट अस गो टू सम होली प्लेस, वी आर जस्ट गोइंग टू टेल। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको आंसर नोट कर लिया। यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ उस सेंटेंस का। वेट जस्ट एट ऑल, हो सकता है आप न लिख पाए तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रख दिया, छोड़ दिया। आप नोट कर लीजिए तब मैं लिख दूंगा। तब तक इसका आंसर देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में इस पोर्शन को दे दिया जा रहा है इनडायरेक्ट। आई सेड टू हिम लेट अस गो टू सम होली प्लेस, ये सेंटेंस है आपका। इट्स वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी रिनाउंड वन एट ऑल टू गेट। यस कम ऑन, तो आई सेड टू हिम है, आई सजेस्टेड टू हिम या प्रपोज टू हिम। आई सजेस्टेड टू हिम या दैट, आई सजेस्टेड टू हिम दैट। अब यहां पे वी या दे की बात फिर आई, तो अब यहां पे आई लिखा हुआ था, एग्जाम्पल आपको मिला था, हम वी लिख देंगे। यस, इसके बाद शुड का प्रयोग, वी शुड गो टू सम होली प्लेस, गो टू सम होली प्लेस, ये आपका आंसर हो गया। इट्स वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी रिनाउंड वन एट ऑल। आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। आंसर नोट कर लें, मैं आगे के क्रम को बढ़ाऊं। अब जो पॉइंट है आपका रिक्वेस्ट और ऑर्डर का, अभी आपने देखा कि यह सेंटेंस है वो प्रपोजल की भूमिका में, प्रपोजल की पॉइंट पे, प्रपोजल की एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आई पॉइंटेड आउट एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स, मैं पास कर लूँ, मुझे लग रहा है कुछ अगर आपके क्वेश्चंस उधर हो, आई सेल टेल यू, जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल। तो इस क्रम में ओके, यस एटलीस्ट टू, दैट इज कंडीशंस टॉल। आगे प्रोसीड करते हैं, इस क्रम को नोट कर लीजिए, यू कैन गेट इट वेल वेरी इन अप टू डेट वे, इनफिनिट फैंटास्टिक जस्ट। अब आगे के क्रम को हम बढ़ाते हैं, वी शैल प्रोसीड। अब रिक्वेस्ट, अभी आपने देखा हम लोगों ने प्रपोजल पे स्टडी की, रिक्वेस्ट और ऑर्डर की क्या भूमिका है, एकदम बिल्कुल प्योर ग्रामर है हर जगह, जुडिशियल से लेकर के सिविल सर्विसेज तक, जहां तक आपकी ये भूमिका होगी यू कैन फाइंड इसकी एक रोल जो इसका है एक क्रम। अब इसकी जितनी अभ्यास की स्थिति में आप आए उतना आपका अभ्यास बनता जाएगा। वेल वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल, ऑलराइट गाइस, अब हम रिक्वेस्ट पे पॉइंट आउट करेंगे, फोकस करेंगे। रिक्वेस्ट प्रार्थना के सेंस में जो भूमिका इसकी होगी रिक्वेस्ट, उसके एक सेंटेंस से आप पूरी बात समझ लेंगे। सेंटेंस देखकर इसके रूल पे भी चर्चा हम करते हैं। जैसे सेंटेंस आपका है डायरेक्ट नरेशन में, द प्यून सेट टू द प्रिंसिपल, कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेट मी गो होम इन्वर्टेड कामा क्लोज, लेट बी गो होम, वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी रिलायबल। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल लेट मी गो होम। नेक्स्ट वन, चलिए देखते हैं, पहले एक ही पॉइंट से आप बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर लेंगे, यू कैन गेट एनी इट, यू कैन अडॉप्ट इट वेल।
ओके गाइस, अब देखिए सेंटेंस की भूमिका। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल लेट मी गो होम। लेट मी गो होम इसका मतलब प्रेयर हो गया, प्रार्थना हो गई। तो जब आप सेंटेंस में लेट वाले पॉइंट पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर निवेदन का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में इस पार्ट में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्टेड को प्रयोग में लाएंगे और रिक्वेस्टेड को प्रयोग में ला करके वाक्य को टू से जोड़ देते हैं। टू लेट, जो लेट है क्या हो जाएगा, टू लेट हो जाए। ओके, अभी हम करके बता देते हैं। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, यस द प्रिंसिपल टू, अब लेट यहां पे है तो टू लेट, कुछ कहें टू से जोड़ दें, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, तो हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो होम। ये आपका एब्सोल्यूट आंसर। द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू लेट हिम गो होम, वेरी अप टू डेट एंड वेरी रिलायबल आंसर, आई थिंक सो। एक और तरीका है, आप इस सेंटेंस को, लेट वाले वाक्य को दैट से जोड़ सकते हैं। टू लेट से ना जोड़ें तो आप दैट से जोड़ सकते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद एक वर्ड यूज करेंगे, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे जोड़। उसमें आपको जो इजी पड़े, आपको आसान पड़े तरीके में, उसी के अकॉर्डिंग आप जोड़ते जाएंगे। तो देयर इन इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ओके द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, टू मत लगाइएगा, ऑलराइट, केवल उसी प्रपोज्ड सजेस्टेड में ही टू का मामला रहेगा, रिक्वेस्ट साथ यहाँ टू लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो आपने वो एक्टिव टू पैसिव प्लीज वाला मैटर है जहाँ जो टू लिखा है। द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल दैट, अगर दैट से जोड़ना है फिर क्या किया गया, लेट मी गो होम, फर्स्ट पर्सन है, नाउन प्रोनाउन के साथ बताया गया सूट लगाना, तो प्यून है तो यहाँ पे ही माइट बी, शुड का प्रयोग अब नहीं करना है, माइट बी अलाउड टू लगाना है नाउन प्रोनाउन के साथ, ही माइट बी अलाउड टू, बहुत ध्यान से देखिए, अलाउड टू गो होम, ये आपके आंसर की भूमिका, माइट बी अलाउड टू गो, ऑलराइट, पूरा नोट कर ले। दोनों तरीके से आपको जो आसान पड़े, कोई ऐसी ढहता नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन एट ऑल, वेरी सॉफ्टली एंड वेरी इनर्जेटिकली यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन इन सच अप्रोप्रिएट मैनर, इन अप्रोप्रिएट वे, नोट कर लें, तब आगे की भूमिका को बढ़ाते हैं ऑर्डर के सेंस को प्रोसीड करते हुए। ऑलराइट गाइस, देख लें इस क्रम को, इस पूरे सिस्टम को। नेक्स्ट वन, अब हम आदेश को, कमांड को वॉच आउट करते हैं। अभी आपने रिक्वेस्ट के, लेट के इस मॉडल को आप पॉइंट आउट किया, यू पॉइंटेड आउट द अप्रोप्रिएट एंड वेरी रिलायबल मॉडल कंसर्निंग, ऑर्डर पे जो बात आई है, ऑर्डर या कमांड, ओके आदेश, यस वो पॉइंट है आपका
सेंटेंस से भी उसकी बारीकी का पता चल जाएगा आपको, डायरेक्ट नरेशन में है। द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क्स, सेड टू द क्लर्क्स कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेट नो वन कम लेट, लेट नो वन कम लेट, यस इन्वर्टेड कामा, कुछ इसको इनडायरेक्ट नरेशन में मेंशन करना है। वी कैन इन वेरी सॉफ्ट मैनर, डेलिकेट मैनर एट ऑल, वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी रिलायबल वे टू गेट। अब देखते हैं क्रम को। वन मोर क्वेश्चन ऑफ द कंसर्निंग पॉइंट, चलिए इस सेंटेंस को पहले सॉल्व करते हैं। यह आंसर इसका द प्रिंसिपल, देखिए अगर आपके सेंटेंस में ऑर्डर की स्थिति हो, लेट नो वन कम लेट, कोई देर से नहीं आया तो ऑर्डर हो गया, प्रिंसिपल ने कहा क्लर्क्स के, तो इस पार्ट में ऑर्डर का प्रयोग करेंगे रिपोर्टेड वर्ब में। फिर क्या करेंगे, सेंटेंस को दैट से जोड़ देंगे, नाउन प्रोनाउन के साथ शुड का प्रयोग करेंगे, यही इसका फार्मूला है, यही इसका रूल है। दिस इज एब्सोल्यूट एंड वेरी रिलायबल प्रोसेस ऑफ ऑर्डर कंसिडरेशन ऑफ द सेंटेंस। तो द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क्स, द प्रिंसिपल ordered, the principal ordered the clerks, clerks that, the principal ordered the clerks that, फिर बताया गया noun pronoun से no one है तो आप no one लिख दीजिए, no one should come late, ये process, no one should come late, ये answer आपका, वेरी अप टू डेट वन। द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क्स, लेट नो वन कम लेट, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट, ये आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन इस पर और सॉल्व कर लीजिए, ट्राई टू सॉल्व वेरी एग्जैक्टली। जैसे सेंटेंस आपका है डायरेक्ट में, द किंग सेड, द किंग सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेट द मैन, ये सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ाओ पॉइंट्स को, द किंग सेड लेट द मैन मैन बी सेट फ्री, सेट फ्री मुक्त कर दिया जाए, द किंग सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेट द मैन बी सेट फ्री। ओके, अब इसके आंसर की भूमिका पे आते हैं। वेट, ऑलराइट, तो उसी अंदाज में गाइस, इनडायरेक्ट नरेशन में, द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड दैट, यस द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन should be, the man should be set free, ये आपका पूरा आंसर हो, नोट कर लीजिए, the man should be set free, very softly and in the very up to date manner, चलने point पर, in the very exact way। अब ये question जो कि आपने कहा कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, तो मैं अभी एक थोड़ा सा परेशान उस पॉइंट से ना होइएगा, एक मैं लॉन्गर क्वेश्चन दे रहा हूँ, कई जहाँ तक अभी आपने पढ़ा है उसे करके एक सेंटेंस में, ताकि सेंटेंस मेकिंग आप और बढ़िया से कर सकते हैं इस पॉइंट से। अभी मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसको आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा
इसको मैं वर्क के रूप में आपको दे रहा हूं, वो कई सेंटेंस एक में ही है, एक पैराग्राफ बन जाएगा आपको बनाने में। तो आप जो ट्रांसलेशन की भूमिका आप क्लास रहे ने, या जेएस के लिए और आपने जुडिशरी सर्विसेज के लिए, एवरीवेयर एल्स इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जैसे सेंटेंस आपका है डायरेक्ट नरेशन में, एक सेंटेंस पहले नोट कर लें, उसी को इनडायरेक्ट में जब आप बदलेंगे तो पूरी भूमिका आपके सामने होगी उसकी, एंड सिचुएशन विल बी वेल। जैसे सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, मुझे लग रहा सेंटेंस से दिख रहा है इजी वे में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, व्हाई आर यू लेट टुडे, व्हाई आर यू लेट टुडे, व्हाई आर यू लेट टुडे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस आगे बढ़ता जाएगा, हैव यू नो वॉच, हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन माई होम, हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन माई होम, कैन यू नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम, कैन यू नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम, कैन यू नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर। ये मैं बिल्कुल आपको पैसेज राइटिंग की बात कर रहा हूँ इस समय, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। जरा सेंटेंस की भूमिका देखिए, प्लीज स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इतना बड़ा सेंटेंस है ये, पूरे जो आपने पढ़ा है ये उस सेंटेंस में मेंशन कर दिया गया। अब आपको ये ट्रांसलेशन बनाने में भी आसान होगा और सेंटेंस मेकिंग में बहुत बढ़िया काम देगा। अभी अचानक नहीं हो जाएगा कि एक दिन में ये चीज़ें आपको प्रोसेस में आ जाएंगी। इस सेंटेंस को जरा पढ़िएगा, ये मैंने आपको वर्क दिया है, अभी इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, यू हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई आर यू लेट टूडे, हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन योर इन माई, जस्ट वेट, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा एक कर लीजिएगा, वेट, हैव यू नो वॉच आर क्लॉक इन योर होम, वहाँ जो माई होम लिखा हुआ है यहाँ पे इन योर होम लिखना है, इसको थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूव कर लीजिए, इन इन योर होम, यस, यहाँ पे वॉच कर लें, मार्क लगेगा, या आर यू लेट टू, व्हाई आर यू लेट टूडे, हैव बीन ओवर 4 o'clock इन योर होम, फिर है कैन यू नॉट प्रॉपर टाइम, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़े हैं। इस सेंटेंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए वर्क है। आपने उस दिन संकेत किया था कि कुछ वर्क भी मिल जाए, तो ये पूरे सेंटेंस की भूमिका एक पैसेज बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन में। आप कोशिश करिए अपने ढंग से, अगले लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके सामने लाइव, नेक्स्ट लेक्चर में आई शैल द पॉइंट, कल ही कर लीजिए, आई शैल सॉल्व इट, ओके गाइस। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक प्रोसेस को उसके, बहुत जल्दबाजी मैंने नहीं की नरेशन के, ताकि समझ में ग्रामर आ जाए और फिर आगे बढ़ में जो एक भूमिका ट्रांसलेशन की आपको होगी तो कंटिन्यू फिर उस पैसेज को कर देंगे, ओके। चूंकि ग्रामर का पोर्शन आपका चल रहा था तो उसमें कोई मैं डिस्टरबेंस नहीं चाह रहा था, दैट्स वाई आई हैव जस्ट कंटिन्यूड द नरेशन पोर्शन आफ्टर फिनिशिंग इट, आई
टेक आउट द नेक्स्ट टॉपिक एट ऑल। तो अभी इसमें एक दो कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं जिस पर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। पहले तो मैं कल इसको सॉल्व आगे बात करूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच एट ऑल गाइज, थैंक यू।